माविन हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सीजर, बचपन का इलाज, बच्चेदानी की गांठों के इलाज के अलावा खवातीन के जुमला अमराज के साथ साथ खवातीन और लड़कियों के जिल के अमराज, बाल झड़ना या दिगर बीमारियों के इलाज की सहूलत दस्तियाब है। खवातीन के जुमला अमराज की जांच डॉक्टर खान सारानुद्रत और जिल के अमराज की तशखीस डॉक्टर किरण पेरके करेंगी और डॉक्टर तुबा खान फिजियोथेरेपी जो रोजाना 11 से 2 बजे तक अपनी खिदमत अंजाम देंगी। यस बैंक के ऊपर माविन हॉस्पिटल दिगरुना का नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। अशोक जी, जिस तरीके से कल से कांग्रेस के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, चन्नीथला ने भी कहा कि डर के मारे जिस तरीके की वेव है वहां पर लड़ना चाहिए, लेकिन अशोक चव्हाण डर के मारे चले गए, वो डरपोक है, इस तरीके के शब्दों का उपयोग तो कोई डरपोक वरपोक नहीं रहता है, ये तो कहने की बातें है। जब हम साथ थे इतने सालों की मुश्किलों में हम किसी से डरे नहीं और किसी डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, अभी राजनीतिक एलिगेशंस होते हैं और मैं कोई उनसे प्रशंसा की उम्मीद तो नहीं करता हूं। आने वाला समय ही बताएगा कि हम किस तरह की, देखो ऐसा कि मैंने राजनीति में कई सालों में काम किया है और जो भी काम किया है उसमें मैं सक्सेसफुल रहा हूँ क्योंकि मेहनत करता हूँ। तो ठीक है, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो बताएं अपना करेज बताएं, अपनी ताकत बताएं और कांग्रेस को उनकी ताकत से क्या मिलता है ये भी जनता देखेगी। निर्णय घ्यायचा होता, मी राज्यसभेसाठी कुठे तिकडे गेलो असे म्हणणं चुकीचं आहे। मी राज्यसभेच्या अपेक्षेने तिथे गेलो नाही, माझा मतदारसंघ सुरक्षित आहे, मला लोकांमधून मी निवडून आज अनेक वेळा आलेलो आहे। राज्यसभेत जायची कदाचित ही पहिलीच वेळ असेल माझी, मी राज्यसभेत गेलोच नव्हतो। ठीक आहे, मैं उनके बारे में अभी कोई वक्तव्य करना उचित नहीं समझता हूँ, वो हमारी नेता रही है और तुरंत विपक्ष में जाने के बाद में मैं उनके बारे में टिप्पणी करूँ इतना बड़ा मैं नहीं हूँ, मैं उनकी अभी भी इज्जत करता हूँ, मेरे कोई उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश त्याला काल म्हणाले की अशोक चव्हाण कालपर्यंत आमच्या सोबत होते, मीटिंग्स अटेंड करत होते, सगळ्या गोष्टीमध्ये चर्चेसाठी ते होते, एका रात्री जसं काय झालं की त्यांना हे जावं, एका रात्रीचा विषय नाहीये। मी शेवटपर्यंत काँग्रेसचं काम करत राहिलो आणि ज्या दिवशी निर्णय घेतला त्या दिवशीपासून मी तिथे गेलो नाही। नथिंग रॉंग इन दॅट, आय हॅव बीन वर्किंग फॉर दी पार्टी आणि पक्षाचं काम करत असताना कारण की क्या बात, देखो ऐसा है कि जो मूड ऑफ द नेशन है, राजनीति में पल्स ऑफ द पीपल ये समझना जरूरी है, लोगों का रुझान किस तरफ है ये समझना जरूरी है। मुझे लगा देश का रुझान आज भाजपा की साथ है, लोग भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ रुझान के खिलाफ में जाकर कितनी कामयाब हो सकती है ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगा यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ काम करने का मौका भी मिल सकता है। मैं पहले से कांग्रेस वाला हूँ, कांग्रेस में काम किया है मैंने, जो भी काम किया उसमें यश मिला है मेरे को। सवाल है कि आज जो बदलते हालात है उसके देखते हुए महाराष्ट्र की तैयारियाँ ये कितना चैलेंज स्वीकार करती है, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। इसलिए मैंने उसलिए फैसला किया कि ठीक है, हम लोगों की जो मूड है, लोगों का जो नेशन का जो मूड है उससे रह जाएंगे। नथिंग अबाउट टॉक टू मी अबाउट बीजेपी नाउ, नॉट अबाउट नाना पटेल। कांग्रेस के भीतर जो आंतरिक कलह है लगातार, संगठन कमजोर होते जा रहा है और ये वजह रही क्या कि इतना मजबूती के साथ आप लोग खड़े होने के बाद भी निचला जो संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा था, क्योंकि मैं अभी इस पर कोई कांग्रेस के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूं, भाजपा ज्वाइन कर चुका हूं, कांग्रेस में जो होना है उनके कर्मों का फल होगा, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। मैं यहां उतरा हूं मैदान में और मैं मेहनत करूंगा और जैसे कांग्रेस के लिए मेहनत जितनी ईमानदारी से किया है वैसे ही ज़्यादा ईमानदारी से काम मैं भाजपा के लिए निश्चित तौर पर करूँगा और जो उम्मीदें मुझ पर भाजपा के नेतृत्व ने लगाई है
उसको ज्यादा से ज्यादा पूरी करने का प्रयास करना रहेगा। अशोक जी, अशोक जी, मराठवाड़ा रीजन के लिए दो इस बार राज्यसभा की उम्मीदवार घोषित हुई है, किस तरीके से देखते हैं, खास करके आपके आने के बाद जो मराठवाड़ा रीजन है वो कितना स्ट्रॉन्ग? देखिए, मैं समझता हूँ सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं, नांदेड़ की भी जो बैकलॉग समझूंगा, पॉलिटिकल बैकलॉग बीजेपी का, वो आज इस फैसले से निश्चित तौर पर एक बोनस के रूप में मिला है। नांदेड़ से दो सांसदों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है कि राज्यसभा में, एक हमारे साथी है मिस्टर गोपछेड़े जो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं और भाजपा के डॉक्टर सेल के वो प्रमुख है महाराष्ट्र के, तो उनको भी घोषित किया गया है, वो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं। तो मुझे खुशी है कि नांदेड़ एक दूध शर्करा आयोग जिसे कहते हैं कि दूध के साथ शक्कर भी मिलावट दोनों हो गई है, और दोनों मिलने के बाद में मुझे लगता है खुशी का मौका है कि बड़े दिनों के बाद नांदेड़ को दो सांसद राज्यसभा में जाने का मौका बड़े दिनों के बाद मिला है। और अभी आने वाला समय भी लोकसभा का सांसद भी नांदेड़ में भाजपा का ही होगा, इसलिए तीन सांसद नांदेड़ देगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। इस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दिगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दिगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तियाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम नांदेड़। इंडिया के नंबर वन एम्स दिल्ली हॉस्पिटल से तालीमी याफ्ता डॉक्टर वसीम उलानी दिल के बाईपास सर्जरी के माहिर डॉक्टर है। बच्चों और बड़ों के दिल के तमाम किस्म के ऑपरेशन के माहिर डॉक्टर है, जो अपनी खिदमात गंगा हॉस्पिटल वाड़िया फैक्ट्री शिवाजी नगर में अंजाम दे रहे हैं। इन ऑपरेशन के लिए मरीजों को नांदेड़ से बाहर जाने की जरूरत नहीं, अब ये ऑपरेशन डॉक्टर वसीम के जरिए गंगा हॉस्पिटल में होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।